हाय गाइस, सो अभी तक हमने डिसीजन ट्री में जितना भी पढ़ाई किया इट वाज ऑल रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन, राइट? एंड इनफैक्ट डिसीजन ट्री इज वन सच एल्गोरिथम जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में ज्यादा यूज होता है. मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम जहाँ पे टारगेट कॉलम जो अपना है वो कैटेगोरी करे. ओके, बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई डिसीजन ट्रीज ऑन टॉप ऑफ रिग्रेशन प्रॉब्लम्स एज वेल. मतलब अगर आपके पास एक ऐसा डेटा है जहां पर टारगेट जो है, लेबल जो है वो न्यूमेरिकल है, वहां पर यू कैन अप्लाई डिसीजन ट्रीज और उसको हम रिग्रेशन ट्री बोलते हैं और इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एक्चुअली. सो विल फर्स्ट डिस्कस इन दिस वीडियो कि रिग्रेशन ट्रीज कहाँ पे एप्लीकेबल है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लीनियर रिग्रेशन ही सॉल्व कर लेता है. इट्स लाइक दिस गो टू एल्गोरिदम इन रिग्रेशन जहां पे आप मोस्टली आपका प्रॉब्लम्स लीनियर रिग्रेशन सॉल्व कर देता है. बट आई शो यू कि कहां पर लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं हो सकता और आपको रिग्रेशन ट्रीज हेल्प कर सकते हैं. ओके, सो मैंने एक डेटा निकाला है, मतलब एक एग्जांपल लिया है एंड आई थिंक इट्स अ रेलेवेंट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल स्पेशली इफ यू आर अ स्टूडेंट. सो ये डेटा है अबाउट सम स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स कितने आए एग्जाम में वर्सेस उन्होंने कितने घंटे पढ़ाई किया. ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट डेटा है यहाँ पे वाई एक्सिस पे यू हैव गॉट द मार्क्स एंड ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी इन द एंटायर सेमेस्टर. ओके, सो अगेन यू कैन सी देयर इज अ जनरल ट्रेंड कि आप यार जितना ज्यादा पढ़ते हो कॉलेज में मार्क्स उतने ज्यादा आते हैं रफली स्पीकिंग, राइट? सो देयर इज अ लीनियर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, राइट? नॉट परफेक्टली लीनियर क्योंकि कुछ लोग कम पढ़ के ज्यादा लाते हैं, कुछ लोग ज्यादा पढ़ के कम लाते हैं. सो देयर इज अ लीनियर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप जो इस डेटा में कैप्चर हो रहा है. यहाँ पे हर क्रॉस इज अ स्टूडेंट. ओके, सो अब जैसे आपको दिखेगा ना कि मेरा डेटा इज लीनियर, व्हाट यू विल डू इज आप यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करोगे. नाउ आई नो आपने लीनियर रिग्रेशन अभी नहीं पढ़ा होगा शायद, so I'll just tell you the gist of it. So what you do is you try to find out this line. इसको हम बोलते हैं best fit line. Okay, so basically मुझे इस line का m और intercept b निकालना होता है और जैसे मुझे ये मिल जाता है मुझे line का equation मिल जाता है और मेरा काम हो जाता है. So इसके बाद अगर कोई मुझसे पूछे कि boss ये student है इसने I don't know total मिला के 75 hours पढ़ाई किया, तो what I will do is now that I have got this linear relationship, I have got this line. What I will do is I'll plot this point on top of this graph, right? I have m, I have p, I also have my x. So what I can do is I can find out y by using this relationship, right? और वो यहाँ पे आया, right? और वैसे मैंने बोल दिया कि उसके 60 marks आएंगे. Simple. That is how linear regression works. अगर linear relationship है, linear regression लगाएंगे और इस तरीके से हमको आंसर मिलेगा, राइट? बट कभी कभी डेटा में लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता. जैसे कि ये डेटा देखो, ये भी डेटा सिमिलर है. देयर इज ओनली वन डिफरेंस कि इस बार नंबर ऑफ आवर्स जो है वो एग्जाम के एक लाख पहले का नंबर है, ठीक है? कि एग्जाम के एक लाख पहले स्टूडेंट ने कितना पढ़ाई किया. एंड नाउ यू कैन टोटली इमेजिन कि जिन लोगों ने बहुत कम पढ़ाई किया, लाइक 3 घंटे पढ़ाई किया एग्जाम के पहले, उनका मार्क्स थोड़ा कम आया. जिन लोगों ने ऑप्टिमम रेंज में पढ़ाई किया 3 to 6 उनका मार्क्स ज्यादा आया. जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई किया लाइक 6 घंटे से ज्यादा वो एग्जाम में सो गए तो उनके मार्क्स वैसे कम आए. ओके, सो नाउ अगर तुम यहां पर कोई ऐसा लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करो जैसे तुम यहां पे कर रहे हो, लेट्स से तुमने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, राइट? अब तुमसे कोई बोले कि भाई एग्जाम के एक रात पहले 5 घंटे पढ़ाई बंद है तो बताओ उसके मार्क्स कितने आएंगे. तो आप अगर सेम काम करने जाओगे तो यहां पे समझ में आ रहा है कि लेट्स से 70 मार्क्स आएंगे, बट यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे जो क्लस्टर है ये 85 से ऊपर का है, तो आप यहां पे गलती करने लग जाओगे. सिमिलरली आप नीचे में भी गलती करने लग जाओगे, यहां पे तो आप बहुत ही ज्यादा गलती करोगे. समझ में आ रहा है? तो जब भी डेटा में एक नॉन लीनियर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है ना, वहां पे आप रिग्रेशन ट्री यूज करते हो और रिग्रेशन ट्री आपको बेटर रिजल्ट देता है इन कंपैरिजन टू लीनियर रिग्रेशन. ओके, सो आई शो यू ये वाला प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करोगे. आई विल ग्रैब दिस. सो व्हाट यू विल डू इज आप डेटा में कट्स मारोगे क्योंकि डिसीजन ट्रीज में आप यही करते हो, आप डेटा में कट मारोगे, राइट? सो बेसिकली कैन सी यहां पर आपके 2 कट्स पड़ेंगे. सो वन कट वुड बी दिस, लेट्स से 3 घंटे के थ्रेशोल्ड पे, और एक और कट होगा 6 के थ्रेशोल्ड पे. सो आपका कोड कुछ ऐसा हो जाएगा, यू विल राइट इफ नंबर ऑफ आवर्स इज लेस देन 6, यस नो, राइट? लेट्स टॉक अबाउट नो. मतलब नंबर ऑफ
आवर्स इज लेस देन 6, मतलब ये ज्यादा है, मतलब हम इन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम ये जो पूरे स्टूडेंट्स हैं, ये जो पूरे स्टूडेंट्स हैं, यही तो आएंगे इसमें, ये कट पड़ा, तो मैं इन सब स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन निकाल दूंगा और मैं मीन स्कोर बोल दूंगा कि यही इस बच्चे का स्कोर होगा, मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, यस, मतलब आप इस रेंज का बात कर रहे हैं। अब इस रेंज में आपने फिर एक कंडीशन लगाया, इफ एन इज लेस देन 3, यस नो, सो इफ इट्स यस आप इन स्टूडेंट्स का बात कर रहे हो, राइट, आप फिर से उनका मीन निकालोगे और यहां पे दिखा दोगे, और अगर आप नो का बात कर रहे हो तो आप इन स्टूडेंट्स का बात कर रहे हो, आप फिर इनका मीन निकाल करके यहां पे शो कर दोगे, राइट। अब कोई नया स्टूडेंट आया, लेट्स से 5 वाला, एक नया स्टूडेंट है, मुझे पता करना उसके मार्क्स कितने आएंगे, गिवन उसने 5 घंटे पढ़ेगी, सो इफ एन इज लेस देन 6, तो हम यहां पे नहीं जाएंगे, हम यहां पे जाएंगे, यहां पे जाके फिर से क्वेश्चन, इफ एन इज लेस देन 3, तो हम यहां पे नहीं जाएंगे, हम यहां पे जाएंगे, और ये वाला जो है इन स्टूडेंट्स का मीन निकाल करके डिस्प्ले कर देंगे, एंड दैट इज हाउ डिसीजन ट्रीज वर्क्स इन रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। ओके, अब ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, बट देयर इज अ कैच, नॉट एग्जैक्टली अ कैच, बट इट्स अ कंसेप्चुअल थॉट, सोच के देखो, मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा था तो मैंने एक कट्स मार दिए, राइट, व्हाट इफ मेरा डेटा ऐसा होता, समथिंग लाइक दिस, आई नो थोड़ा सा क्लमजी हो गया यहां पे, बट इमेजिन करो कि डेटा पूरा कंटिन्यूअस होता, ऐसे गैप्स नहीं होते, तो आपको कैसे समझ में आता कि ये नंबर 3 ही होना चाहिए या ये नंबर 6 ही होना चाहिए, मतलब आपको ये स्प्लिटिंग क्राइटेरिया कैसे समझ में आता, एज अ ह्यूमन बीइंग आई कैन सी दिस ग्राफ एंड आई कैन टेल कि ओके दिस शुड बी द नंबर, राइट, बट व्हाट इफ एल्गोरिथम कर रहा है, क्योंकि वो करेगा भी, उसको ये नंबर कैसे पता चलेगा, दैट इज द मेन पॉइंट, ये नंबर फिगर आउट करना इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि कैसे रिग्रेशन के सेटिंग में डिसीजन ट्री एल्गोरिथम ये कट्स निकालता है, ये थ्रेशोल्ड्स निकालता है। ओके ओके गाइस, नाउ लेट्स डिस्कस कि हाउ डू वी फाइंड आउट दैट स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, कि कहां पे स्प्लिट पड़ेगा, राइट। सो अप्रोच इज वेरी सिंपल एंड वी हैव डिस्कस दिस बिफोर इन क्लासिफिकेशन पार्ट। सो व्हाट यू डू इज यू टेक 2 points at a time, let's say these 2 points, the first 2 points, okay, and then you find out the mean of these 2 points, obviously I'm talking about hours, not marks, okay, so this would be like this line, right, this line would be the mean, right, and now what you do is, you create two groups on the basis of this number, I don't know, let's say this number is 0.5, right, so on top of 0.5, you do a split, and what you do is you write it like this: if hours less than 0.5, right? So इससे कम सिर्फ ये point होगा, तो एक point का mean is basically that point itself. So इस point का marks हो जाएगा. Let's call this P1. So P1 का जो भी marks है, right? सिमिलरली देर विल बी अ सेकेंड ग्रुप विच विल बी ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, वो यहां पे आ जाएंगे, और ये जो मॉडल बनेगा इस स्क्रिप्ट के ऊपर, इस मॉडल के हिसाब से अगर नया पॉइंट यहां पे कहीं भी लाई करेगा तो उसका मार्क्स होगा इन बाकी बचे पॉइंट्स का मीन, सो पी रिमेनिंग मीन, राइट। सो लेट्स से ये बाकी पॉइंट्स का मीन इज समवेयर हियर, ओके राइट। अब हम क्या करेंगे, हम एक मेट्रिक ड्रॉ करेंगे, हम एक्चुअल मार्क्स जो हैं इन सारे रिमेनिंग पॉइंट्स के और ये जो मीन मार्क्स हैं इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, सो इन अ वे फॉर दिस पॉइंट दैट डिफरेंस वुड बी दिस, फॉर दिस पॉइंट इट वुड बी दिस, फॉर दिस लाइक दिस, राइट। इनको हम रेसिडुअल बोलते हैं, रेसिड्यूअल, मशीन लर्निंग लिटरेचर में वी कॉल इट रेसिड्यूअल और एरर, राइट। सो इफ दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज E4 एंड सो ऑन, व्हाट यू डू इज यू डू द स्क्वायर ऑफ देम। स्क्वायर क्यों कर रहे हो, बिकॉज इस लाइन के कुछ नीचे कुछ ऊपर है, तो
तो पॉजिटिव करने के लिए व्हाट यू डू इज द टोटल रेजिडुअल एरर होगा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर बोलते हैं इसको, इट वुड बी ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस ई एन स्क्वायर, राइट? इट वुड बी सम नंबर, राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ, वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू है, ये जो स्प्लिटिंग वैल्यू है 0.5, राइट? और 0.5 के लिए ये नंबर कितना है इन सबका स्क्वायर्ड सम, लेट्स से दिस इज द एरर, राइट? सो लेट्स से इट्स राइट हियर, ओके? नाउ व्हाट वी विल डू इज विल फॉरगेट दिस वन, इसको भूल जाएंगे. अब हम अगले दो पॉइंट्स को पिक करेंगे, ये दो पॉइंट्स को, ओके? और फिर हम स्प्लिटिंग क्राइटेरिया इस दोनों का मीन को बनाएंगे. लेट्स से दिस इज 1.5, लेट्स से, ओके? अब लाइन के इस तरफ दो पॉइंट्स हैं और लाइन के इस तरफ बाकी सारे पॉइंट्स हैं, ओके? सो दिस विल बिकम 1.5, दिस इज द सेकेंड स्प्लिटिंग, ओके? अब लाइन के इस तरफ में अब हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स का मीन और लाइन के इस तरफ हो जाएगा बाकी सारे पॉइंट्स का मीन, ओके? और अब हम फिर से क्या करेंगे, जैसे इनका मीन का लाइन यहां पे होगा कहीं पे इस जगह पे, और इनके मीन का लाइन लेट्स से थोड़ा सा और नीचे आ गया, लेट्स से, राइट? और फिर से मैं क्या करूंगा, हर पॉइंट का उसके रिस्पेक्टिव, इस लाइन के इस तरफ में इन दोनों पॉइंट्स का रिस्पेक्टिव मीन का डिफरेंस और इस तरफ में बाकी पॉइंट्स के मीन का डिफरेंस, फिर से मैं एसएसई कैलकुलेट करूंगा. सो लास्ट टाइम अगर वो इट वॉज एसएसई 1, अब मैं एसएसई 2 कैलकुलेट करूंगा. सो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स का मीन एरर और इन दोनों पॉइंट्स का भी स्क्वायर्ड मीन एरर, और लेट्स से उनको तो सबको ऐड करने को नंबर कुछ यहां पे प्लॉट होता है फॉर 1.5, लेट्स से यहां पे पॉइंट होता है, ठीक है? फिर हम ऐसे अगले दो पॉइंट्स को लेंगे, फिर स्प्लिट मारेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर एरर निकालेंगे, उसको ऐसे प्लॉट करते जाएंगे, और ऐसा हम हर जगह पे हर स्प्लिट के लिए करेंगे, राइट? अब जिस भी पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट पे दिस वॉज द मीन, दिस वॉज द एरर, तो यू कैन सी द एरर इज मिनिमम. तो जिस भी पर्टिकुलर स्प्लिटिंग क्राइटेरिया के लिए ये रेजिडुअल एरर मिनिमम होगा ना, वही हमारा पहला स्प्लिट बन जाएगा. लेट्स से दिस वन इज द फर्स्ट स्प्लिट, लेट्स से दिस वन इज द फर्स्ट स्प्लिट, राइट? अब हम क्या मान लेंगे कि इसके इस तरफ सब एक ग्रुप में है, इसके एक तरफ सब दूसरे ग्रुप में है, ओके? आई होप ये पूरा चीज क्लियर है. सो नाउ यू कैन सी आफ्टर द फर्स्ट आइटरेशन, हर बार दो दो पॉइंट्स को लेके जब हमने स्प्लिट मारा तो हमको पता चला कि ये वाला जो स्प्लिट है ना, ये सबसे इफेक्टिव स्प्लिट है, इन द सेंस इस स्प्लिट से ये सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर सबसे कम है, मिनिमम है. तो हमने इसको मान लिया कि भैया ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया तो सेट हो गया. सो यहां पे ये डिसीजन ट्री में पहला नोड बन चुका है, इफ आवर्स इज लेस देन 3, दिस इज द फर्स्ट स्प्लिट. अब आप यहां पर आ गए, ठीक है? सो दो 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 ग्रुप्स बन गए, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज द सेकेंड ग्रुप, राइट? अब आपको क्या करना है, दोनों पोर्शंस में फिर से सेम काम करना है, दो दो का ग्रुप लेना है, फिर से स्प्लिट करना है, एरर प्लॉट करना है, और तुमको फिर से अगला क्राइटेरिया पता चलेगा, इसमें भी दोनों सब ट्रीज में. बट द थिंग इज, अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो यू वुड नोटिस कि तुम एंड अप कहां पे करोगे, कि तुमको हर पॉइंट को तुम स्प्लिट कर लोगे. डोंट यू थिंक हर पॉइंट ही स्प्लिट हो जाएगा अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाए. सो हमें, और ऑब्वियसली हमें हर पॉइंट को स्प्लिट नहीं करना, हमें एक ग्रुप क्लस्टर को अलग करना है, राइट? हर पॉइंट को अलग करने से क्या प्रॉब्लम होगा कि हमारा एल्गोरिथम रटने लगेगा. सो ट्रेनिंग डेटा पे एकदम परफेक्टली काम करेगा, मतलब एग्जैक्टली जो आप दोगे एग्जैक्ट आंसर आएगा, आप जैसे आवर्स बताओगे एग्जैक्ट मार्क्स बताएगा ट्रेनिंग डेटा पे, बट टेस्ट डेटा पे बहुत खराब तरीके से फेल करेगा. इसको बोलते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे. बेसिकली हम इसको ओवरफिट नहीं करना चाहते, अगर हम हर को स्प्लिट करेंगे दैट इज ओवरफिटिंग. सो व्हाट वी विल डू इज विल सेट अ बेसिक क्राइटेरिया कि अगर विल डिसाइड कि नंबर ऑफ पॉइंट्स का एक थ्रेशोल्ड होगा, एक नंबर ऑफ पॉइंट्स का थ्रेशोल्ड होगा, उससे कम पॉइंट्स अगर हुए किसी ग्रुप में तो हम और स्प्लिटिंग नहीं करेंगे. लेट्स से फॉर नाउ दैट नंबर इज 4, तो जब भी स्प्लिट्स पढ़ेंगे हम दोनों साइड देखेंगे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 से ज्यादा है कि नहीं. 4 से ज्यादा है तभी हम स्प्लिट करेंगे, अदरवाइज हम स्प्लिट नहीं करेंगे. लाइक ओवर हियर हमने काउंट किया तो हमको पता चला कि बॉस यहां पे सिर्फ 4 पॉइंट्स ही हैं जो हमारा थ्रेशोल्ड के बराबर है, कम है या बराबर है, तो हम यहां पे अब और स्प्लिटिंग नहीं करेंगे. ये फिक्स हो गया, मतलब इससे नीचे आया, मतलब इफ एच इज लेस देन 3, 3 घंटे से कम पढ़ाई किया
तो हम सीधे बोल देंगे कि मार्क्स इज बेसिकली द मीन ऑफ दीज फोर पॉइंट्स, दैट्स इट, फाइनल हो गया। इस तरफ अभी फाइनल नहीं होगा। अब इस तरफ तुम क्या करोगे, सेम चीज को रिपीट करोगे, दो दो पॉइंट को लोगे, फिर से स्प्लिट मारोगे, इस ग्राफ में प्लॉट करोगे, दो दो पॉइंट को लोगे, स्प्लिट मारोगे, प्लॉट करोगे, और ऐसे करते करते फिर से एक ऐसा कर्व बनेगा एंड यू विल रियलाइज कि तुमको एक और पॉइंट मिल गया जिसमें एरर मिनिमम है, लेट्स से दिस पॉइंट सिक्स वाला। सो यहां पे आ गया इफ एच इज लेस देन सिक्स, राइट। अब इस स्प्लिट के दोनों तरफ तुमने देखा कि बॉस यहां पे चार ही पॉइंट्स हैं, सो यहां पे अब स्प्लिटिंग नहीं होगा, और यहां पे भी चार ही पॉइंट्स हैं तो यहां पे भी स्प्लिटिंग नहीं होगा, तो इसका मतलब मेरा काम हो गया। अगर एच थ्री से कम है और सॉरी एच थ्री से कम है तो ये हो गया, एच थ्री से कम है और सिक्स से भी कम है मतलब दिस पॉइंट, तो हम इन पॉइंट्स का मीन निकाल देंगे यहां पे, राइट। और एच सिक्स से ज्यादा है तो हम इन पॉइंट्स का मीन निकाल देंगे यहां पर, एंड दैट इज हाउ यू डू इट, ओके। सो ये जो चीज है ना, ये आपको हाइपर पैरामीटर बोलते हैं इसको, और ये आप ट्वीक कर सकते हो इन द एल्गोरिदम, ओके। जनरली स्पीकिंग ये 20 to 25 का नंबर होता है, डिपेंड्स ऑन द डेटा सेट। जनरली लोग 25 पॉइंट से कम पॉइंट्स अगर बच रहे हैं तो आप और स्प्लिट नहीं मारते हो। बेसिकली यहां पे पॉइंट्स का मतलब नंबर ऑफ रोज है, सो 25 रोज से कम बच रहे किसी भी स्प्लिट के बाद, यू जस्ट कंसिडर इट टू बी अ लीफ नोड, मान लेते हो कि और ज्यादा स्प्लिट नहीं करेंगे। अगर 25 से ज्यादा नोड्स हैं तो आप स्प्लिट करते हो, करते जाते हो अंटिल ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता, ओके। सो आई होप ये वाला पूरा डिस्कशन क्लियर हो गया। नाउ कम्स वन लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज दिस कि यहां पर सिर्फ एक ही चीज था, नंबर ऑफ पार्ट्स, जिससे मार्क्स पर असर पड़ रहा था, व्हाट इफ देयर आर अदर फैक्टर्स, तो फिर कैसे स्प्लिट डिसाइड होगा, दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट, ओके गाइस। द फाइनल पॉइंट, व्हाट इफ मेरे पास एक ऐसा डेटा है कि सेम एग्जाम से रिलेटेड डेटा, एग्जाम की तरफ पहले कितने देर पढ़ाई की, उस स्टूडेंट का CGPA कितना है अभी तक, और फाइनली उसके मार्क्स कितने आए। सो नाउ आई हैव गॉट टू इनपुट वेरिएबल्स एंड वन आउटपुट वेरिएबल, एंड दिस इज अ 3D ग्राफ। अभी ये जो प्लेन्स मैंने कट किए हैं इसको इग्नोर करो, बट दीज आर द पॉइंट्स, मतलब इसको रूम में यू कैन इमेजिन दिस रूम, कोई भी एक कॉर्नर को उठा लो तो इट कुड एक्ट एज अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। सो एक्स एक्सिस पे आर्स है, ओके, जेड एक्सिस पे CGPA एंड वाई एक्सिस पे मार्क्स, ओके। सो इस सिनेरियो में क्या करना होता है अपने को कि आप इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हो आवर्स का मार्क्स के साथ और CGPA का मार्क्स के साथ। सो मतलब दोनों का अलग अगर आप ग्राफ प्लॉट करो तो लेट्स से CGPA का मार्क्स के साथ लीनियर रिलेशनशिप ही है, लेट्स से, ओके। और सिमिलरली आप क्या कर रहे हो, आप आवर्स ऑफ स्टडी का मार्क्स के साथ निकाल रहे हो, तो कुछ इस तरह का स्टडी है, इस तरह का ग्राफ है, समथिंग लाइक दैट, ओके। नाउ व्हाट यू डू इज यू डू द सेम एग्जैक्ट स्टेप जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दो पॉइंट दोनों के साथ आप सेम काम करोगे। सो आप पहले वाले कर्व को पकड़ोगे, सेम दो पॉइंट्स को उठा के वो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर निकाल करके सबसे इफेक्टिव स्प्लिटिंग पॉइंट निकालोगे फॉर आवर्स। सिमिलरली आप इसका CGPA का भी सबसे इफेक्टिव स्प्लिटिंग पॉइंट निकालोगे, राइट। दोनों स्प्लिटिंग पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर होगा, लेट्स कॉल इट SSEHR एंड SSECGPA, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस ओवरऑल डेटा पे, इस 3D डेटा पे पहला स्प्लिट आवर वाले एक्सिस पे पड़ेगा, मतलब दिस इज द एक्स एक्सिस, तो ये फ्लैट वाला प्लेन कट करेगा या फिर ये प्लेन कट करेगा CGPA वाला, ये कैसे डिसाइड होगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, एक्चुअली छोटा कौन है। अगर ये छोटा है, आवर्स वाला छोटा है, तो आप ये कट मारोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला। अगर CGPA वाला एरर छोटा है तो आप ये कट मारोगे, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब जैसे आपने पहला कट मारा, तो लेट्स से आपने आवर्स पे मारा, तो आपका पूरा का पूरा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया ऐसा दिखाई देगा इफ आवर्स इज लेस देन 3, राइट। अब इस क्राइटेरिया के नाउ इमेजिन दिस प्लेन, ओके। ये प्लेन आवर्स के पैरेलल में है और पूरे डेटा को काट रहा है, सो कुछ पॉइंट्स ऊपर आएंगे, कुछ पॉइंट्स नीचे आएंगे, राइट। अब फिर से सेम क्राइटेरिया कि अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स इज लेस देन 4,
लेट्स से ऊपर में लेट्स से नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 से कम है, तो आप ऊपर और स्प्लिटिंग नहीं करोगे, उसको छोड़ दोगे ऐसे। सो इन चारों पॉइंट्स का आप मीन निकाल लोगे एंड दैट्स इट, राइट। अगर लेट्स से नीचे में 4 से ज्यादा पॉइंट्स है तो आप फिर से सेम काम करोगे, नीचे वाले पॉइंट्स के लिए फिर से दोनों में कॉम्पिटिशन करवाओगे कि नेक्स्ट वाला जो नोड है यहाँ पे ये आवर्स का होगा या CGPA का होगा, और ऐसे करते करते आप कट्स करते जाओगे, और इवेंचुअली जब जब 4 पॉइंट्स बचेंगे आप वहां पे और छेड़छाड़ नहीं करोगे, आप निकल जाओगे, और इवेंचुअली आपका इस तरीके से डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, राइट। और ऑब्वियसली जब भी 4 पॉइंट्स बचेंगे आप उनका मीन ही निकालोगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरा का पूरा डिस्कशन समझ में आया, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आई ट्राई टू गिव यू अ प्रॉब्लम जिससे आपका ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा कंक्रीट हो, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो या गाइज, आई हैव अगेन मेड अ वेब एप्लीकेशन यूजिंग स्ट्रीमलेट, एंड आई विल यूज दिस एप्लीकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट कि वॉट आर द डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स जिनको आप ट्यून कर सकते हो, ठीक है। तो सी, यहाँ पे जो भी हाइपर पैरामीटर्स हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो क्लासिफिकेशन में थे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस छोटे छोटे कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसमें जीनी या एंट्रोपी नहीं है, इंस्टेड वी हैव MSE एंड MAE, मीन स्क्वायर्ड एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। वो आपने थ्योरी वाले वीडियो से समझ में आपको आ ही गया होगा, ठीक है। तो आई विल क्विकली शो यू, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय डेटा सेट, ये एक रैंडमली जनरेटेड डेटा सेट है, मैंने जानबूझ के एक नॉन लीनियर सॉर्ट ऑफ डेटा सेट लिया है सो दैट मैं आपको ठीक से दिखा पाऊं कि कैसे डिसीजन ट्रीज काम करते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी डिफॉल्ट सेटिंग रख रहा हूँ, क्राइटेरिया MSE, स्प्लिटर बेस्ट है, बेस्ट या रैंडम होता है, मैक्स स्टेप तभी नन है, मतलब फुली ग्रोन डिसीजन ट्री बनेगा, मिन सैंपल स्प्लिट है, मिन सैंपल लीव्स है, मैक्स लीफ नोड्स है, मिनिमम इम्प्योरिटी डिक्रीज है, ये सारे फीचर्स वही हैं जो हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किए थे। ऑल दो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कशन कर दूंगा, बट लेट्स फर्स्ट सी कि अगर हम एक सिंपल डिसीजन ट्री रन करते हैं अभी इस डेटा सेट के ऊपर विथ ऑल डिफॉल्ट पैरामीटर्स तो क्या होता है, ठीक है। सो इफ आई रन दिस रन एल्गोरिदम पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यू कैन सी दिस इज माई रिग्रेशन लाइन, लाइन बोलना गलत होगा, दिस इज माई रिग्रेशन कर्व, and you can see the accuracy that I'm not accuracy the R2 score that I'm able to achieve is 0.92, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोड लिखा है कि आपको पूरा का पूरा डिसीजन ट्री प्लॉट होकर के दिखने लग जाएगा। अब ये बहुत बड़ा डिसीजन ट्री है तो अभी मैं आपको पूरा ठीक से नहीं दिखा पाऊंगा, बट या दिस इज द डिसीजन ट्री, ठीक है। और सिंस एक ही कॉलम है यहाँ पे तो उसी कॉलम के ऊपर सारा का सारा डिसीजन मेकिंग हुआ है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। दिस इज द डिसीजन ट्री, ओके। अब मैं आपको कुछ वेरिएशंस करके दिखाता हूँ। जैसे क्राइटेरिया अगर आप चेंज करो MSE से MAE तो थोड़ा सा आप नोटिस करोगे कि परफॉर्मेंस रिड्यूस होता है, जनरली नॉट ऑलवेज, अगेन ये ऐसी चीजें हैं जो आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके पता करनी पड़ती हैं, बट लेट मी शो यू। हमने MAE किया, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं दिखाई दे रहा है। फ्रीडमैन MSE देखते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं पता चल रहा। सो MSE रहने देते हैं, बेस्ट के बदले लेट्स ट्राई विथ रैंडम। यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटर का मतलब क्या है कि आपके जो न्यूमेरिकल क्राइटेरियाज होते हैं जिसके ऊपर स्प्लिटिंग होता है कि कॉलम इज ग्रेटर देन 2.5, तो आप उसको कैसे निकालते हो, आप हर वैल्यू को चेक करते हो, बेस्ट के केस में आप हर वैल्यू को चेक करते हो और बेस्ट वाले को उठाते हो, ये आपने पढ़ा था थ्योरी वाले पार्ट में। बट एक सेकेंड अप्रोच भी होता है जहां पे सिंस आप बहुत सारे कंपैरिजन्स नहीं करना चाहते, आप रैंडमली वो नंबर डिसाइड कर लेते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको रन करोगे तो इससे क्या होगा, अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज ये छोटा डेटा सेट है, बट अगर आप रैंडम यूज करते हो तो ओवरफिटिंग रिड्यूस होता है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। रैंडम यूज करने से ओवरफिटिंग रिड्यूस होगा और बेस्ट यूज करने से ओवरफिटिंग का चांस बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मैक्स डेप्थ आपको पता होगा, मैं वापस इसको बेस्ट कर रहा हूँ, मैक्स डेप्थ के बारे में आपको पता होगा कि आप अपने ट्री को कितना ग्रो करवाना चाहते हो। लेट्स से मुझे सिर्फ एक डेप्थ चाहिए तो अब क्या होगा, ये अंडरफिट कर जाएगा, यू कैन सी, और ये रहा मेरा डिसीजन ट्री, पहला स्प्लिट ही पड़ा कॉलम वन के ऊपर और इस वैल्यू के ऊपर -1.1 के ऊपर और दो लीव्स बन गए, एंड दैट्स इट, दैट इज माय डिसीजन ट्री, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत खराब परफॉर्मेंस है, 0.23 है। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो आई विल गेट 4 लीव्स, 0.72 तक पहुंच रहा है हमारा।
आर टू स्कोर, सो यू कैन सी हर बार स्प्लिट जो पड़ेगा वो कॉलम वन के बेसिस पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉलम है हमारे डेटा सेट में, एक इनपुट कॉलम है और एक आउटपुट कॉलम है, तो ये रहा हमारा आउटपुट। अगर आप इसको फिर भी थोड़ा डिसेंट वैल्यू पे लेके जाओ लाइक 5, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और आपका ये कर्व को पकड़ने का ट्राई करेगा। लेट मी शो यू दैट। सी बेस्ट जो आ रहा है अभी तक वो 5 में आ रहा है, 0.94, और ये सच में बहुत बढ़िया है, ये ओवरफिट नहीं कर रहा। यू कैन सी जितने भी ऊपर नीचे के येलो पॉइंट्स हैं ये अभी 5 वाले वैल्यू में उधर जाने का ट्राई नहीं कर रहा, बट अब जैसे इसको बहुत बढ़ा देते हो, लेट्स से 15 कर देते हो, तो यू वुड सी कि हर पॉइंट को टच करने का ट्राई करने लगता है। सी हर पॉइंट को टच करने का ट्राई करने लगता है, विच इज काइंड ऑफ बैड। ठीक है, तो लेट्स कीप इट 5। या नेक्स्ट है मिनिमम सैंपल स्प्लिट। ठीक है, मिनिमम सैंपल स्प्लिट में आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि कभी भी किसी नोड पे जब स्प्लिट पड़े तो मिनिमम इतने सैंपल्स तो होने ही चाहिए। अगर उस उतने नंबर ऑफ सैंपल से कम होगा तो स्प्लिट पड़ेगा ही नहीं। मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर लीफ किसी पर्टिकुलर नोड पे हो और वहां पे आप स्प्लिट मारने वाले हो, और आपने बोल दिया कि कभी भी 100 से कम रोज में स्प्लिट मत मारना, तो पहले चेक होगा कि 100 रोज है कि नहीं। अगर 100 रोज है देन ओनली द स्प्लिट विल बी परफॉर्म्ड। ठीक है, लेट मी शो यू। अगर मैं इसको मैं वापस जीरो कर दे रहा हूँ सो दैट पूरा लास्ट तक ग्रो करोगे, और इसका वैल्यू मैं बहुत बढ़ा दे रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास 150 रोज है टोटल डेटा में, मैं इसको 100 कर दे रहा हूँ। सो मैं बोल रहा हूँ कि जब तक कि 100 रोज ना हो किसी नोड में तब तक आप स्प्लिट नहीं मार सकते। सो यू वुड सी ये अंडरफिटिंग का केस हो जाएगा, क्योंकि 150 से पहला स्प्लिट मारा तो 52 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 98 हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 52 नहीं है तो 100 नहीं है तो अगला स्प्लिट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ भी 100 नहीं है तो अगला स्प्लिट नहीं पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना होता है कि मिन सैंपल स्प्लिट का वैल्यू आप जितना बढ़ाते जाते हो उतना अंडरफिटिंग का चांस बढ़ता है, और जितना घटाते हो उतना ओवरफिटिंग का चांस बढ़ता है। सो लेट्स से अगर मैं 50 कर दूं और अब रन करूं तो आई विल बी गेटिंग दिस। सो यहाँ पर 38 के आगे रुक गए आप, यहाँ पे 33 के बाद रुक गए, ठीक है, यहाँ पे 27 के बाद रुक गए, और यहाँ पे 4 के बाद रुक गए, यहाँ पे 48 के बाद रुक गए, और अब 71 था आपने स्प्लिट मारा, 52 था स्प्लिट मारा, 98 था स्प्लिट मारा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट वन इज मिन सैंपल स्लीव, मतलब स्प्लिट मारने के बाद मिनिमम इतने रोज होने चाहिए लीफ के अंदर तभी स्प्लिट मारो। ठीक है, सो लेट्स से अगर मैं इसको बहुत बढ़ा के 100 कर दूं, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कोई स्प्लिट पड़ेगा यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों लीव्स में मिनिमम 100 आपके दोनों लीव्स में मिनिमम 100 आपके रोज होने चाहिए। सो जैसे ही मैं रन करूंगा ये अंडरफिटिंग हो जाएगा, इनफैक्ट एक भी ऐसा नहीं हो रहा है, एक भी स्प्लिट नहीं पड़ा, क्योंकि अगर हम इसको स्प्लिट करते तो एटलीस्ट एक लीफ ऐसा बनता जिसमें 100 से कम रोज होते, तो फिर ये स्प्लिट होगा ही नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इसको अगर मैं रिड्यूस करके 50 कर दूं तो शायद कुछ स्प्लिट्स पड़ेंगे, या एक स्प्लिट पड़ा 150 को मारने से, यहाँ पे 52 आ रहा है, यहाँ पे 98 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो हाँ 59 और 91 के हिसाब से स्प्लिट मार दिया। ठीक है, तो जो भी है मतलब आपको आई गेस ये दोनों पैरामीटर्स समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मैक्स लीव नोड्स, मतलब डिसीजन ट्री में इतने लीव्स होने ही चाहिए। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2, तो जो डिसीजन ट्री बनेगा उसमें एट मैक्स 2 ही लीफ नोड्स होंगे। ठीक है, सो अगर मैं इसको रन करूं सी बस 2 है, अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो 5 ही होंगे। अच्छा ये पैरामीटर भी सेट है ना, इसको मैं वापस 1 कर देता हूँ और अब 5 रखता हूँ। सो या एट मैक्स 5 ही होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, मैक्स लीफ नोड्स, मैक्स लीफ नोड का वैल्यू अगर आप बहुत बढ़ा देते हो तो ओवरफिटिंग होता है, बहुत घटा देते हो अंडरफिटिंग होता है। आई होप आपको ये वाला बात भी समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको मैं वापस 0 कर दे रहा हूँ, 0 मतलब फुली ग्रोन डिसीजन ट्री। नेक्स्ट इज मिनिमम इम्प्योरिटी डिक्रीज, सो आप कभी भी जब स्प्लिट मारते हो तो आप इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस में मारते हो, तो लेट्स से मैंने बोला कि मिनिमम इतना का तो इम्प्योरिटी डिक्रीज होना चाहिए तभी आप स्प्लिट मारो। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इतने स्प्लिट्स पड़ रहे हैं, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो एमएससी पेरेंट का और वेटेड एमएससी चिल्ड्रेन का, अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिनिमम इतना मिलेगा। अगर इससे कम होगा तो स्प्लिट पड़ेगा ही नहीं। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो देखना यहाँ पे कुछ स्प्लिट्स घट जाएंगे, क्योंकि सी कुछ स्प्लिट्स घट गए। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, मान लो इसको मैं 0.1 कर दूं, तो अब शायद एक भी स्प्लिट ना पड़े। अच्छा पड़ रहा है, चलो एटलीस्ट 2 स्प्लिट्स पड़ रहे हैं।
ठीक है, अगर मैं उसको 0.2 कर दूं या 0.5 कर दूं, प्रोबेबली एक भी स्प्लिट नहीं पड़ेगा, एक भी स्प्लिट नहीं पड़ा, बिकॉज कभी भी किसी भी नोड के स्प्लिट मारने पे इतना डिक्रीज हो ही नहीं रहा है इम्प्यूरिटी में. ठीक है, तो या दीज आर द वेरियस हाइपर पैरामीटर्स जो आपको मैटर करते हैं. यहाँ पर एक हाइपर पैरामीटर और होता है जो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, दैट इज मैक्स फीचर्स. आप कितने कॉलम्स को यूज करके डिसीजन ट्री बनाना चाहते हो ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो. जैसे लेट्स से अगर आपके पास 10 इनपुट कॉलम्स है और आपने 5 दे दिया मैक्स फीचर्स, तो हर बार जब नोड बनेगा तो कोई 5 रैंडम कॉलम्स को ही आप यूज करोगे टू क्रिएट द नोड. ठीक है, इससे थोड़ा और रैंडमनेस आता है, रैंडमनेस आने से ओवरफिटिंग रिड्यूस होता है. ठीक है, बट वो मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया. उसका रीजन ये है कि मेरे पास इनपुट में सिर्फ एक ही कॉलम है, तो मैं मैक्सिमम एक ही यूज कर सकता हूँ, मिनिमम भी एक ही यूज कर सकता हूँ. तो फॉर मी मैक्स फीचर्स का कोई वैल्यू मैटर नहीं करता. बट अगर आप एक एक्चुअल डेटा सेट पे काम करो तो मैक्स फीचर्स आप यूज कर सकते हो. मैक्स फीचर्स स्पेशली यूजफुल होता है जब आप बहुत ज्यादा हाई डायमेंशनल डेटा के साथ काम कर रहे हो, जहां पे इनपुट रो कॉलम्स बहुत ज्यादा हो. ठीक है, तो या दिस इज द टूल. मैं इसका लिंक डाल दूंगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दिस टूल. ठीक है, आप अपना इंट्यूशन बिल्ड करो. नाउ आई विल क्विकली शो यू वन कोड एग्जांपल, बिकॉज पढ़ा है कुछ और ये सब देखा है, तो फिर एक कोड एग्जांपल करना भी सही रहेगा. ठीक है, तो मैंने बस एक छोटा सा कोड लिखा है जिसमें मैंने लोड बॉस्टन का जो रिग्रेशन वाला डेटा सेट है वो यूज किया है. सो ये मैंने सब इम्पोर्ट्स ले लिए जो भी मुझे यूजफुल लगे. यहाँ पे मैंने लोड बॉस्टन को इम्पोर्ट करके एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया. सो दिस इज द डेटा फ्रेम. ठीक है, सो ये जितने मैंने अभी सेलेक्ट किए हैं ये सारे इनपुट कॉलम्स हैं, और ये MEDV जो है ये आपका आउटपुट कॉलम है. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार दिया डेटा के ऊपर. ठीक है, उसके बाद मैंने एक डिसीजन ट्री रिग्रेसर को ट्रेन किया विथ क्राइटेरिया MSE एंड मैक्स डेप्थ 5. ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसको ट्रेन किया और उसके बाद वाइपरेट कैलकुलेट किया, और फिर जब मैंने R2 स्कोर निकाला तो आई एम गेटिंग अ R2 स्कोर ऑफ 0.88, विच इज क्वाइट हाई. बट ऑनेस्टली ये उतना मैटर नहीं करता क्योंकि मैंने क्रॉस वैलिडेशन नहीं किया है. क्रॉस वैलिडेशन करने से स्कोर नीचे चला जाएगा, मुझे पता है. सो इससे ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है. आप चाहो तो क्रॉस वैलिडेट करके देख सकते हो कि आपका एक्चुअल स्कोर कितना आ रहा है. दिस इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन, मैं बस आपको फ्लो दिखा रहा था. ठीक है, नेक्स्ट इज कि अगर आपको सारे हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करना है, मैंने आपको तरीका बता रखा है. या तो आप ग्रिड सर्च CV यूज कर सकते हो या रैंडम सर्च CV यूज कर सकते हो. यहाँ पर मैंने इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स को ट्यून किया है, मैक्स डेप्थ, क्राइटेरिया, मैक्स फीचर्स, मिन सैम्पल स्प्लिट. ठीक है, और मैंने अभी बहुत कम वैल्यूज के साथ ट्रेन किया है क्योंकि टाइम नहीं था. बट आप चाहो तो यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल करके ट्राई कर सकते हो. अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो यू कैन ऑलवेज यूज रैंडम सर्च CV. ठीक है, और ये करने के बाद जब मैंने ग्रिड सर्च किया और फिट किया, और उसके बाद जब मैंने बेस्ट स्कोर निकाला तो 0.64 आ रहा था, विच इज अ गुड स्कोर बिकॉज यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन के बाद ये चेक हो रहा है. तो ये आप इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो, रिजल्ट सही है. और सिंस मैंने अभी सब कुछ नहीं डाला, सारे वैल्यूज नहीं डाले, मैंने सारे पैरामीटर्स भी नहीं डाले, तो अगर आप वो सब कुछ को डालते हो और खूब सारी वैल्यूज देते हो तो इम्प्रूव और हो जाएगा आपका ये जो स्कोर आ रहा है. ठीक है, तो मैं आपको ये नोटबुक शेयर करके दे दूंगा. आपका काम क्या होगा, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो, इस स्कोर को थोड़ा इम्प्रूव करो. अलॉन्ग द वे आप सीख जाओगे कि क्या करना है. ठीक है, और ये रहे अपने बेस्ट पैरामीटर्स अभी के ग्रिड सर्च CV के आउटपुट के हिसाब से. क्राइटेरिया MSE बेस्ट रिजल्ट दे रहा था, मैक्स डेप्थ नन बोल रहा था, फुली ग्रोन बोल रहा था, मैक्स फीचर्स बोल रहा था 50% यूज करो. मेरे पास 12 कॉलम्स थे इनपुट में, बोल रहा 6 ही यूज करो. ठीक है, मिन सैंपल स्प्लिट बोल रहा था कि 25% डेटा ही रखो. अगेन आपके ऊपर है, आप ट्राई कर सकते हो. वन लास्ट थिंग इज फीचर इंपॉर्टेंस. तो आपको आई गेस पता होगा कि आप अगर रैंडम फॉरेस्ट के साथ काम कर रहे हो या फिर आप डिसीजन ट्रीज के साथ काम कर रहे हो, तो आपको जब आप ट्रेन करते हो अपने डिसीजन ट्री को अपने डेटा के ऊपर, तो वहां पर एक एट्रीब्यूट होता है फीचर अंडरस्कोर इंपॉर्टेंस अंडरस्कोर. ये क्या करता है कि डिसीजन ट्री बनाते टाइम कौन से कॉलम्स कितनी बार यूज हुए, उससे एक इंपॉर्टेंस वैल्यू कैलकुलेट करता है हर कॉलम के लिए. तो अगर आप फ्यूचर में कभी डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर रहे हो, लेट्स से आपको कुछ कॉलम्स हटाने हैं, फीचर सिलेक्शन करना है, तो उस केस में ये काम आता है फीचर इंपॉर्टेंस. ठीक है, तो यहां पे जब मैंने फीचर इंपॉर्टेंस हर कॉलम का निकाला तो पता चला ये RM जो कॉलम है ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है डिसीजन ट्री बनाने में, उसके बाद LSTAT, उसके बाद CRIM. ये लास्ट वाले 3-4 कॉलम्स उतने यूजफुल नहीं है. सो कल को अगर आपको रिड्यूस करना है अपने कॉलम्स को,
फीचर सेलेक्शन करना है तो आप ये फीचर इंपॉर्टेंस वाला एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। ये सेम चीज रैंडम फॉरेस्ट में भी होता है, ऑल दो रैंडम फॉरेस्ट वाला इससे ज्यादा यूजफुल होता है। डिसीजन ट्री वाला थोड़ा सा ओवरफिटिंग का सिनेरियो होता है तो लोग उतना रिलाई नहीं करते। तो आई वुड से कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप रैंडम फॉरेस्ट से चूज करना या दोनों को ट्राई कर लेना, ठीक है, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज यूजफुल है कौन सा चीज यूजफुल नहीं है। बट या दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कैलकुलेट फीचर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ऑफ योर गिवन फीचर्स, ठीक है। तो विद दैट या आपका रिग्रेशन ट्री कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।